16 दिसंबर से उपराजधानी में शुरू होने जा रहे शीतकालीन अधिवेशन मात्र एक सप्ताह का रहने वाला है। अधिवेशन का यह कार्यकाल कम से कम एक माह का हो, ऐसी मांग शहर की जनता करी है। आने वाले 16 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन यह अधिवेशन केवल 6 दिनों का ही होने से नागरिकों में अलग अलग चर्चाएं व्याप्त हैं। कई संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। अधिवेशन का समय कम से कम एक माह का करें या फिर अधिवेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इतने कम समय में लोगों द्वारा निकाले जाने वाले मोर्चा, आंदोलन और कार्रवाई कामकाज, इन्हें उचित समय नहीं मिल सकता, इसलिए यह अधिवेशन एक माह का हो, ऐसी जानकारी शहर के डॉक्टर आशीष उरकुड़े इन्होंने दी है। बाइट प्लस पीटीसी। नागपुर में आने वाले दिनों में शीतकालीन अधिवेशन की शुरुआत होने जा रही है, क्या ये जो अधिवेशन होने वाला है इसकी जो समय जो निर्धारित किया गया मात्र एक सप्ताह के लिए, क्या ये पर्याप्त होगा? इसलिए इस बारे में आज हम शहर के कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हमारे साथ में, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि क्या है उनकी अपनी राय। सर, ये बताइए कि जिस प्रकार से एक सप्ताह का जो समय दिया गया है शीतकालीन अधिवेशन को लेकर, क्या यह समय पर्याप्त है? पहली बात तो ये समय पर्याप्त नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा ने 2017 में सतत विकास लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ा जाए इसके ऊपर बजट पेश किया था। महाराष्ट्र भारत का सबसे प्रगतिशील राज्य होने के बाद भी उन्होंने अभी तक सतत विकास लक्ष्य की ओर उन्होंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ऐसे या क्या किया है क्या नहीं किया है इसके ऊपर उन्होंने कुछ अभी तक कुछ बोला नहीं अभी तक। अगर एक महीने का सत्र रहा महाराष्ट्र की 25 बड़ी सिटियों का, और जो खेती बाड़ी वाले लोग, शेतकरी लोग जो आत्महत्या कर रहे हैं उसके ऊपर अगर 7 दिन देते हैं, बिजनेसमैन लोगों के लिए 7 दिन देते हैं, एजुकेशन के लिए 7 दिन लेते हैं, ऐसे सारे चीज़ों के लिए अगर 7-7 दिन अगर डिस्कशन हुआ तो हमें लगता है कि एक महीने का सत्र पर्याप्त रहेगा और सारे प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व होते रहेंगे। 7 दिन अगर होता है तो बंबई वाले नागपुर में आके ट्रिप करके जा रहे हैं ऐसे लगेगा लोगों को। तो हमें ऐसे लगता है कि एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया कि महाराष्ट्र ने हम सची में प्रगतिशील राष्ट्र ये प्रूव करना चाहिए और सतत विकास लक्ष्य की ओर बढ़ रहे ऐसे बताना चाहिए। धन्यवाद। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आशीष मनोहर उरकुड़े है। और मैं तो उरकुड़े साहब ने जो बात करते हुए बताया है कि एक सप्ताह ये पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए हमें पूरा एक माह देना होगा, तब कहीं ये शहर के पूरे राज्य के जो जो प्रॉब्लम्स है वो छूटने में काफ़ी आसानी होगी। नहीं, अगर एक सप्ताह के लिए होता है तो मात्र यह सिर्फ पिकनिक के तौर पे अधिवेशन लिया जा रहा है, ऐसा ही कुछ शहर की जनता मानती है। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मिरे, इनबीसीएन न्यूज़, नागपुर।